हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स जैसे गाजर, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, एक दो अनियन, थोड़े से मटर के दाने, आप चाहें तो इसमें अनार भी यूज में ले सकते हैं। मसाले हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें हमने नमक और रेड चिली पाउडर यूज़ में लिया है। इसके अलावा फ्राई करने के लिए वेजिटेबल ऑयल, थोड़ा सा पियो घी, टमाटो केचप और ये ओट्स। फ्रेंड्स, ये जो ओट्स है ये पतंजलि का ओट्स हमने यूज में लिया है। ये एक प्रकार से फ्राइड राइस है जिसे हम जौ कहते हैं। इस जौ का ये बना हुआ है, ये बेहद हेल्दी फूड माना जाता है। अब हम सबसे पहले सभी वेजिटेबल्स को चौकोर कट कर लेंगे। गाजर है, इसे भी हमें चौकोर कट करनी है। ये हमारी सभी वेजिटेबल्स कट चुकी है। अब मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ कि एक बाउल ओट्स में लगभग हमें आधी वेजिटेबल्स लेनी है। तो ये पानी में फूलकर दो गुना अधिक हो जाते हैं, इसलिए उससे थोड़ी कम हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं। अब हम इन्हीं सब सामग्रियों से आपको ओट्स को फ्राई करके बनाना बताते हैं। अब इस पर पैन गर्म होने के लिए रखते हैं। सबसे पहले हमें ऑयल इतना डालना है कि सब्जी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। अभी सभी सब्जियाँ हम इसमें ऑयल में डाल देते हैं। देखिए सभी वेजिटेबल्स गर्म हो चुके हैं। इसके बाद हमें डालना है टमाटो केचप। लगभग आधा टेबल स्पून हमें इसमें टमाटो केचप डालना है। अब इसमें हमें डालना है वाटर, पानी। मैं आपको सिर्फ पानी की क्वांटिटी बताता हूँ। लगभग एक बाउल ओट्स के लिए हमें आधा गिलास पानी डालना है। बाद में हम पानी और बढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी डाल रहे हैं ताकि ओट्स की थिकनेस को हम अपने हिसाब से सेट कर सकें। अभी पानी अच्छी तरह से बॉईल होना शुरू हो गया है। पानी बॉईल होने से ये जो सब्जी थोड़ी बहुत जो कच्चा पन था वो भी पक जाएगी। अब इसके अंदर हम डालते हैं सॉल्ट। स्वाद अनुसार सॉल्ट डालना है हमें। इसमें लगभग आधा टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट के बाद डालना है हमें रेड चिली पाउडर। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से यहाँ हम इसमें आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। इसमें हमने बहुत अधिक मसाले यूज नहीं किए हैं ताकि ओट्स का जो नेचुरल टेस्ट है वो इसमें बना रहे। ग्रेवी अच्छी तरह से बन चुकी है, पक भी चुका है। अब इसके अंदर हम ये इस उबलते हुए पानी में ये ओट्स डाल रहे हैं। अभी देखिए अब जो शेष बचा हुआ पानी था हमारा, अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि इसका जो थिकनेस है वो खिचड़ी जैसी हो जाए। ओट्स को पकने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर ही ओट्स पक जाता है। और ये जो जितना भी हम जो पानी डालते हैं ये इस पानी को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर देता है। ये हमारा ओट्स बनकर तैयार हो गया। देखिए इसकी जो थिकनेस है वो हमने ऐसी रखी है एकदम दलिया या खिचड़ी के समान। अब सबसे अंत में नंबर आता है घी का। इसमें 1 चम्मच हम घी डाल देंगे, या अगर बटर हो तो आप बटर भी डाल सकते हैं। घी और बटर डालने से इसमें एक अच्छी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब हम इसको बाउल में सर्व करते हैं। एक बाउल में ये ओट्स लेते हैं और ऊपर से इसमें डालेंगे ढेर सारा टमाटो केचप। डालेंगे ऊपर से टमाटो केचप और इसमें हमें डालना है थोड़ा सा केचप ऊपर से ताकि इसका टेस्ट और अधिक चाइनीज स्टाइल में आ जाए। फ्रेंड्स, हमारा ओट्स बनकर तैयार है। ये बेहद टेस्टी और शानदार डिश है, बेहद कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे जरूर एक बार घर पर ट्राई करें और मुझे पूरा यकीन है आपको इतना पसंद आएगी कि आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे। मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ। आप इसे घर पर जरूर बनाएं। धन्यवाद।